ये सात लोगों का गैंग है और इनके किंग पिन शमीम जाफरी और नईम जाफरी हैं। इनका लेविश लाइफस्टाइल है। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में पहले आते हैं, रेकी करते हैं, 2-3 दिन का अपना स्टे रखते हैं। उसी दौरान लोकल इन्फॉर्मर या लोकल किसी अपने अभियुक्त की मदद से किसी बिजी मार्केट में जाते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं और तुरंत उसके बाद बाय ट्रेन या बाय एयर वापस चले जाते हैं। सर, इसके अभी हाल ही में ये उद्घाटन हुआ था, एलजी साहब ने इस कैमरे का उद्घाटन किया था। तो सर, इस वक्त मार्केट के अंदर जो दुकानदार हैं, अब कितने उनको फायदा हो रहा है इस कैमरे को लगाने से सर? मेरा ये मानना है, हाल ही में करीब 2-3 महीने पहले जब से ये दरीबा में बिजनेस एरिया वॉच स्कीम के अंडर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, उसके बाद क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। उसके बाद कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं एरिया में हुआ है जो कि हमारी नॉलेज में है, जिसमें कोई भी मेजर क्राइम हुआ हो और वो अनडिटेक्टेड रहा हो। आप इस सफलता को किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? ये बिजनेस एरिया वॉच स्कीम है, इसमें मेन दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन ने और दरीबा की जो एसोसिएशन है उन्होंने मिलके ये कैमरास का प्रोजेक्ट दिल्ली पुलिस की मदद में लगाया है, सीसीटीवी कैमरास का। तो ये उन्हीं का मेन कंट्रीब्यूशन है, ज्वेलर एसोसिएशन का, जिन्होंने यहाँ पे इस कैमरास लगाए और इसको ऑलमोस्ट क्राइम फ्री बनाया। कौन सा? और जो